हमारे साथ भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। सुधांशु जी, जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और अमित शाह ने कहा कि इन बातों को प्रचारित प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए और बीजेपी नहीं कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा के बड़े नेता पहले ऑलरेडी बयान दे चुके हैं, मनोहर पर्रिकर हो या फिर होम मिनिस्टर हो, तो क्या अब इस पर इस तरह का बयान कहीं ना कहीं? देखिए, भाजपा के किसी शीर्ष नेता ने किसी भी प्रकार का बयान नहीं दिया। इस ढंग की सैन्य कार्रवाइयों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। पर मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, राजनीतिकरण की शुरुआत किसने की है? हमने तो अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया। सर्जिकल स्ट्राइक होने से पहले कांग्रेस और प्रतिपक्षी दलों के तमाम नेता किससे प्रश्न पूछ रहे थे? सेना से या हमसे? तब तो वो कह रहे थे कहां गया 56 इंच का सीना। और जब अब सेना ने उत्तर दिया है, सरकार ने कुछ भी नहीं बोला है, और जब उस कार्रवाई की वजह से देश के सभी नागरिकों में एक अपूर्व उत्साह है और भाजपा कार्यकर्ता भी उन्हीं में से एक है, तो उत्साह की अभिव्यक्ति पर उन्हें समस्या हो रही है। क्या मानते हैं कि कहते कहते राहुल गांधी कुछ ऐसा कह गए जिससे लेकर पार्टी को दोबारा मंथन करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान आने वाले दिनों में? देखिए, वो अनेक अवसरों पर बहुत कुछ ऐसा कहते रहते हैं और कांग्रेस के तमाम नेता इस तरह की बातें कहते रहते हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, पर जो उन्होंने कहा है उसके ऊपर एक लाइन कहना चाहूँगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। अब बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जहाँ किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। दोनों ही पार्टियां, अरविंद केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस, लगातार आरोप लगा रही हैं अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी कि सियासत उन्होंने नहीं शुरू की थी, ऑल पार्टी में कांग्रेस ने सबसे पहले समर्थन किया था, लेकिन रक्षा मंत्री का सार्वजनिक सम्मान करना और वहां से बयान दे रहे हैं, तो फिर अमित शाह ऐसे कैसे कह सकते कि उनकी पार्टी के नेताओं ने बयान नहीं दिया? निरंजन ज्योति ने दिया, विनय कटियार ने दिया, साक्षी महाराज, तमाम सरीके नेताओं ने लगातार सर्जिकल स्ट्राइक पे बयान दिया। औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना के डीजीएमओ द्वारा गई, इसके बाद देश का हर नागरिक अपने भाव की अभिव्यक्ति कर रहा है, उसमें उनको समस्या क्या है? अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है, जब पूरा देश उस पर गौरव की अनुभूति कर रहा है तो आपको गौरव की अनुभूति क्यों नहीं होती? और मैं तो पूछना चाहता हूं, आपको हमेशा सेना के प्रति गौरव की अनुभूति नहीं होती और आतंकियों के साथ सहानुभूति क्यों होती है? आप हिजरत जहां को बिहार की बेटी कहते हैं, अफजल को व्यवस्था का मारा कहते हैं, याकूब मेनन को कहते हैं जुडिशियल किलिंग हो रही है, और बटाला हाउस इनकाउंटर के लिए आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो ये तो पूरा का पूरा कांग्रेस के चरित्र में सांगोपांग दिखाई पड़ता है। ये विषय केवल एक घटना का नहीं है, ये कांग्रेस के संपूर्ण चरित्र का विषय है। पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है जिसमें समर्थ बताया जा रहा है, फ्रेंड बताया जा रहा है एक तरह से केजरीवाल को, तो ये बात तो अपने में स्वयं सिद्ध है कि कौन राष्ट्र के हित की बात कर रहा है और कौन दूसरे देश के हित की बात कर रहा है। सेना के सबसे जवान पंजाब से होते हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है सत्ता में आने की, और ऐसे में ऐसा बयान? देखिए, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और सत्ता की लोलुपता में, उच्छृंखलता में वो किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है, इसलिए वो किसी भी प्रकार की इस प्रकार की बात करते हैं। पर ज्यादा आश्चर्य होता है जब कांग्रेस जैसी पार्टी, जिसने 56 साल इस देश पे हुकूमत की है, चार चार युद्धों के समय देश का नेतृत्व किया है, वो ऐसी बात करती है, तो बहुत ही दुखद, विडंबनापूर्ण और आश्चर्यजनक लगता है। धन्यवाद।